अध्याय एक, विचार ही वस्तु है। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थी, पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। मैंने उससे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल ना हो जाए। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। आखिरकार उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे, उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बार्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बार्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोच कर अमीर बन सकता है। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थाई पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। आरयू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ, सोने की झलक गायब हो गई। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट गए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे
मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेशर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वे उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए, उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा काफूर हो गया और वे एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? आपको क्या लगता है, इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी, तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टरकाना चाहता था और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था, तो मुझे उस पुरानी मिल में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। मेरी ज्यादातर सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियां बेशक सैकड़ों जीवन बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएंगी, और इन सभी को लेखक यह बता देना चाहता है कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीखकर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को एक, सिर्फ एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो। आप और आप ही की तरह के हर व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को अपना लेंगे और इन सिद्धांतों पर अमल करने के निर्देशों का पालन करने लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज को छुएंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होने लगेगी। असंभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है और जो इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। ज्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु और व्यक्ति को नापते हैं। जिस चीज को हम नहीं समझ पाते, हम उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम मूर्खता पूर्वक यह विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही सीमाओं का सही पैमाना है। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा इंजन बनाने का निर्देश दिया। सभी इंजीनियरों का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में ढालना असंभव है। काम चालू कर दो, फोर्ड ने आदेश दिया, और यह काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इसमें सफलता ना मिल जाए।
इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। अगर वे फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियरों को फिर बुलवाया और दोबारा उन्होंने उन्हें वही बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा है। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा। मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। इनमें से एक है इच्छा, यह जानना कि आपको क्या चाहिए। जब हेनले ने यह अमर पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं, तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयं हैं, क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसे हमें यह बताना चाहिए था कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। लेकिन चूंकि हेनले एक कवि थे, दार्शनिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा और इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वालों के विश्लेषण पर छोड़ दिया। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था जिसमें इच्छा के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से एक ने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे एक पत्र लिखा। मैं उसके पत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय नेपोलियन, 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था, तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से ही मैं भविष्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। मुझे याद है, जैसे ये कल ही की बात हो, कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था, जिनके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, जिनके पास एक डॉलर भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं उन सबको पार करके सफलता प्राप्त करूंगा। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है, गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमीरी के गलीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शुभकामनाओं सहित, आपका जेनिंग्स रैंडोल्फ। अध्याय 2, इच्छा। जब एडविन सी बांस ऑरेंज न्यू जर्सी में 50 साल पहले मालगाड़ी से उतरे तो वे किसी फुटपाथिये की तरह दिख रहे थे, परंतु उनके विचार शहंशाहों जैसे थे। उन्होंने ये कल्पना की कि वे एडिसन के सामने अपने जीवन की इकलौती प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने की प्रबल इच्छा। बांस की इच्छा सिर्फ आशा नहीं थी, यह सिर्फ कामना नहीं थी, यह एक तीव्र प्रबल इच्छा थी जो सबसे ऊपर थी और हर चीज के पार जाती थी। उनकी इच्छा एक निष्ठ थी, उनका एक निश्चित लक्ष्य था। कुछ साल बाद एडविन सी बांस एक बार फिर एडिसन के सामने खड़े थे, उसी ऑफिस में जहां वे एडिसन से पहली बार मिले थे। इस बार उनकी प्रबल इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा और प्रबल सपना सच हो चुका था। यह एक निष्ठ इच्छा की शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण है। बांस को अपना लक्ष्य हासिल करने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि वे किसी भी चीज से अधिक प्रबलता से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज हासिल करने का संकल्प करता हूँ और वह चीज है थॉमस ए एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को इस विश्वास पर दाव पर लगा दूंगा कि मुझ में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता है। उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति थी। बांस की सफलता की कहानी बस इतनी सी है। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले।
वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाएं, और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का 1 तरीका है। इस तरीके में 6 निश्चित प्रैक्टिकल कदम है। पहला, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। दूसरा, ये तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, और फिर चाहे आप तैयार हो या ना हो एकदम काम में जुट जाएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठवां, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और यह इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी, तो आपको खुद यह विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत कमाई। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वे यह नहीं चाहते कि आप मूर्ख या अति विश्वासी बन जाएं। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हों, परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होना अनिवार्य है, ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यहीं पर आप यह भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है, और अगर आप वास्तव में यह विश्वास नहीं करते कि यह दौलत आपके पास होगी। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद ये नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले, और उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। हेलन केलर जन्म के कुछ ही समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया।
उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए, आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है, यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूंगा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब डॉक्टरों से जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मैं बच्चे का पिता था, मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे विश्वास था कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, और मैं जानता था कि मैं वह तरीका ढूंढ लूंगा। उस इच्छा से मैं जरा भी पीछे नहीं हटा। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। हर दिन मैं खुद से किए गए वादे को दोहराता रहा कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीजों को देखने लगा तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं, तो उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाजों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे आशा बंधी। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर लाए। जब बच्चे ने इसका संगीत पहली बार सुना तो वह तो खुशी के मारे पागल हो गया और उसने उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने खड़े होकर उसी रिकॉर्ड को 2 घंटे तक सुनता रहा, और उसके दांत उस मशीन के किनारे पर जकड़े हुए थे। उसकी इस आदत का महत्व हमें कई वर्षों तक समझ में नहीं आया, जब तक कि हमें ध्वनि के बोन कंडक्शन के सिद्धांत के बारे में पता नहीं चला। रिकॉर्ड प्लेयर पर उसके कब्जे के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अगर मैं उसके सिर के नीचे की तरफ वाली हड्डी पर अपने होंठ लगाकर कुछ बोलूं, तो वह मेरी बातों को साफ साफ सुन सकता है। यह पता चलने के बाद कि वह मेरी आवाज को साफ सुन सकता है, मैंने तत्काल उसके मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी ही यह जानकारी मिली कि बच्चे को बेड टाइम कहानियों में मजा आता है, इसलिए मैंने ऐसी कहानियां लिखी जो उसे स्वावलंबन, कल्पना शक्ति और सुनने तथा सामान्य बनने की तीव्र इच्छा विकसित करने का संदेश दे सके। खास तौर पर मैंने एक कहानी पर जोर दिया जिसे मैं उसे बार बार नए और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा। मैं इस कहानी के द्वारा उसके मस्तिष्क में यह विचार बीज बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ तो मैं अब यह देख सकता हूँ कि चूंकि मेरे पुत्र को मुझ पर विश्वास था, इसलिए उसे इतने चमत्कारी परिणाम मिले। उसने बिना सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। मैंने उसके दिमाग में यह विचार बिठा दिया कि वह अपने बड़े भाई से ज्यादा लाभप्रद स्थिति में है और उसे कई तरीकों से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्कूल में टीचर जब देखेंगे कि उसके कान नहीं है तो इस वजह से वे उसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे और उसके साथ असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और सचमुच टीचर्स ने ऐसा ही किया। एक दोपहर जब वह घर में अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहां कोई नहीं था, तो वह किचन की खिड़की से बाहर निकला, जमीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली, अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया और देर शाम तक वह इसी तरह बार बार निवेश करता रहा और अखबार बेचता रहा। आखिर अपने बही खाते को सही करने के बाद और अपने बैंकर से लिए 6 सेंट के उधार को वापस करने के बाद उसने अपना मुनाफा गिना, 42 सेंट। जब हम रात को घर लौटे तो हमने देखा कि वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोली, सिक्के निकाले और रो पड़ी। यह भी होना था। अपने पुत्र की पहली सफलता पर रोना तो उचित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। मैं खुलकर हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने बच्चे के दिमाग में मैंने आत्मविश्वास का रवैया विकसित करने का जो प्रयास किया था, मैं उसमें सफल हुआ था।
छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर्स के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर गया। वह अपने टीचर्स की बात तभी सुन पाता था जब वे पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वह मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों से इस बारे में हमारी काफी बहस हुई। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ब्लेयर पूरे जीवन बहरा और गूंगा ही बना रहता अगर उसकी माँ और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं ढाला होता। सच है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यह इच्छा की कि सामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो, और अब यह शक्ति उसके पास है। वह एक कमी के साथ पैदा हुआ था और उसे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टिन के डिब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफेद छूट डाल दिया था कि उसकी कमी दरअसल उसका सबसे बड़ा लाभ है, कि वह उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। यह गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं। कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं, परंतु यह डॉक्टरों का विचार था, यह मरीज का विचार नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उसने धीमे से मुझसे कहा, चिंता मत करो चीफ, मैं कुछ ही दिनों में अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मेरी तरफ दयाभाव से देखा, परंतु मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसके डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने का एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। अगर उसने मौत की संभावना को पूरी तरह अस्वीकार ना कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। अध्याय 3, आस्था। सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव हैं आस्था, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह से रंग देते हैं कि यह तत्काल अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जहां ये आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक समतुल्य की क्रिया पर अनंत बुद्धि की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी सिद्धांतों में पारंगत हो जाएं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः विकसित होती है, और इसमें आपको लगन की और इन सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के संवेग के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। वह भाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचा दें, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी, यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है।
युगों युगों से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखनी चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि आस्था को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा आस्था वहां पर विकसित की जा सकती है जहां पर अभी इसका अस्तित्व नहीं है। अपने आप में आस्था रखें, परमपिता में आस्था रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछला वाक्य दोबारा बोलने लायक है और तीसरी बार और चौथी बार भी। ये जोर से बोलने लायक है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा संवाद करता है। आस्था वह तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक पूंजी और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। अवचेतन मस्तिष्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेस के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी जिनसे लिंकन ने प्रेम किया था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है,
ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। गांधी जी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। आस्था के अलावा और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की यह कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इसके बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो यह कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी। 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th Avenue के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। सिमंस और स्मिथ ने 38 साल के श्वाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, और यदि वे स्टिलमैन, हैरिमैन और वॉल्डरबिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते, तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। 90 मिनट का भाषण समाप्त होने के बाद जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्ता को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने एक घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं जिस तरह बिस्किट, वायर और हुप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जॉबर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाकपटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वे ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीयता एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशनों में तब्दील किया था। और ये हंसमुख बिजनेस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों की श्रृंखला से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इनकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके 53 स्वामी और संचालक थे, तो यह सारी कंपनियां और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी के साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन यह बात जानते थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एकता की समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई भी ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा, यह ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था, हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें क्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो।
उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को एक सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों का विश्वास है कि इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रू कार्नेगी थे। वे यह मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात की मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर स्क्वाट कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं, वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवीय अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना उससे अधिक ना उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। सवाल यह था कि क्या कार्नेगी बेचेंगे। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। परंतु तब तक बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी वाक्पटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और उस बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 40 करोड़ डॉलर था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 32 करोड़ डॉलर के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 8 करोड़ डॉलर जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस एटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे 10 करोड़ डॉलर ज्यादा मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वह मिल गए होते, मॉर्गन ने उन्हें खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। येल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ कीन ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था 60 करोड़ डॉलर, पलक झपकते ही सोख लिया गया।
कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में 6,20,00,000 डॉलर थे और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 38 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अमीरी विचार के रूप में शुरू होती है। धनराशि की सीमा उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके दिमाग में यह विचार आता है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। जब आप जीवन से अपनी मनचाही वस्तु के लिए कीमत का सौदा करें तो इस बात को जरूर याद रखें। अध्याय 4, आत्म सुझाव। प्रकृति ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वह अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे विचारों पर पूरा नियंत्रण रख सके। हालांकि इस बात का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। ज्यादातर मामलों में वह इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इतने सारे लोग जीवन भर गरीब क्यों बने रहते हैं। याद कीजिए, यह कहा गया है कि अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज ना बोए गए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उग आएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वह एजेंसी है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और रचनात्मक प्रकृति के बीज बोता है या फिर वह इसकी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति के विचारों को इस बगीचे में अंदर चले आने की अनुमति देता है। साधारण भाव रहित शब्द अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते। आपको तब तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक कि आप ये ना सीख जाएं कि आस्था और भावना के साथ किस तरह से शब्दों या विचारों को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया जाए। अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अक्सर इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है और तभी अवचेतन मस्तिष्क उन आदेशों पर पालन करता है। इस वक्तव्य का अनुसरण करते हुए इस संभावना पर विचार करें कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ एक पूरी तरह उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपको यह विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही है। और अब यह आपके अवचेतन मस्तिष्क का काम है कि वह आपको उस धनराशि को हासिल करने के व्यावहारिक तरीके सुझाए जिस पर आपका अधिकार है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के 3 कदम। पहला, किसी शांत जगह पर जाएं जहां कोई व्यवधान ना हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं जिसे आप इकट्ठी करना चाहते हैं, वह समय सीमा जिसमें आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं, और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस वक्तव्य को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें जहां पर आप इसे सुबह और रात को देख सकें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि यह आपको याद ना हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अवचेतन मस्तिष्क को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। मानसिक शक्ति का रहस्य। सभी नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका आस्था में बदल जाएगी और जल्द ही यह आस्था पूर्ण आस्था में बदल जाएगी। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है।
इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति है। इच्छा को धन में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं, जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मस्तिष्क में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्याय 5, व्यक्तिगत अनुभव या विचार, अमीरी की दिशा में चौथा कदम। ज्ञान दो तरह का होता है, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा या विविधता में हो, धन के संग्रह में यह अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने रूप हो सकते हैं, बड़े विश्वविद्यालयों में यह सभी रूप पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत कम पैसा होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषज्ञता है, परंतु वे इस ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य ना बनाया जाए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित ना किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग ना किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनता है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। अज्ञानी आदमी जो दौलतमंद बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी है। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति की और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलवाया, ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी थे। वकीलों ने फोर्ड से बहुत से सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके कि हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, परंतु बाकी सभी मामलों में वे निपट अज्ञानी थे। फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए, बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा? इस आखिरी सवाल का फोर्ड ने यह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की निश्चित संख्या तो नहीं पता, परंतु मैंने सुना है कि जितने सैनिक वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। आखिरकार फोर्ड इस तरह के सवालों का जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल के जवाब में कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आपके द्वारा पूछे गए इस मूर्खतापूर्ण सवाल का, या आपने अब तक मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब सचमुच चाहूं तो मेरी टेबल पर कई बटन लगे हुए हैं और मैं सही बटन दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो सही जवाब दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सब के जवाब मालूम हैं। अब क्या आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि जब मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मस्तिष्क में सारे सामान्य ज्ञान का ढेर क्यों इकट्ठा करूं? इस जवाब में निश्चित रूप से दम था। इस जवाब से वकील की हवा निकल गई। अदालत में बैठे हर आदमी को यह एहसास हुआ कि यह जवाब किसी अज्ञानी आदमी का जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षित आदमी का जवाब था। हर वह आदमी शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहां से मिलेगा और फिर वह उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने के लिए जरूरत थी। यह अनिवार्य नहीं था कि यह सारा का सारा ज्ञान उनके अपने दिमाग में हो। बहुत अधिक धन के संग्रह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है,
और शक्ति हासिल होती है विशिष्ट ज्ञान के संयोजन और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से, परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह सारा का सारा ज्ञान उस आदमी के पास हो जो धन का संग्रह करता है। थॉमस एडिसन अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, ना ही वे गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6वीं कक्षा से कम पढ़े थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अपनी स्थिति अच्छी कर ली थी। विशिष्ट ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध है और आप काफी कम दामों में विशिष्ट ज्ञान रखने वालों को नौकरी पर रख सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप यह फैसला कर लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य, वह लक्ष्य जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, यह तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय इसके कि आप जो भी ज्ञान हासिल करें उसका इस्तेमाल आप किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। रोजगार देने वाली कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों की खास तलाश करती हैं जिनमें विशेषज्ञता हो। ऐसे लोग जो अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षित हों, जो पत्रकार, आर्किटेक्ट, केमिस्ट का प्रशिक्षण ले चुके हों। सीनियर क्लास के लीडर्स और सक्रिय विद्यार्थी भी इस श्रेणी में आते हैं। एक बड़ी औद्योगिक कंपनी ने मिस्टर मूर को एक पत्र लिखा जो कॉलेज के संभावित सीनियर्स के संबंध में था। इस पत्र में कहा गया था, हम लोग मूलतः ऐसे आदमियों को खोजने में रुचि रखते हैं जो मैनेजमेंट के काम में अद्भुत प्रगति कर सकते हैं। इस वजह से हम विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बजाय चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर विशेष ध्यान देते हैं। गर्मी की छुट्टियों में ऑफिसों, स्टोर्स और औद्योगिक संगठनों में अप्रेंटिसशिप की वकालत करते हुए मिस्टर मूर ने यह कहा कि कॉलेज के पहले 2 या 3 सालों में हर विद्यार्थी से यह कहा जाना चाहिए कि वह एक निश्चित भावी कोर्स चुन ले, और अगर उसे यह लगता है कि वह गैर विशिष्टता वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बिना मकसद के भटक रहा है तो वह ऐसा करना बंद कर दे। लोगों में एक कमजोरी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। यह शाश्वत कमजोरी है, महत्वाकांक्षा की कमी। लोग, खासकर तनख्वाह पाने वाले लोग, अगर अपने खाली समय का टाइम टेबल बनाएं और उसमें होम स्टडी के लिए समय निर्धारित करें तो प्रायः वे ज्यादा समय तक नीचे की पायदान पर नहीं रहते। उनके कार्य उन्हें ऊपर की पायदानों पर ले जाते हैं, उनकी राह से कई बाधाओं को हटा देते हैं, और उनकी वजह से उन्हें उन लोगों की दोस्ताना रुचि हासिल हो जाती है जिनके पास उन्हें अवसर देने की शक्ति है। प्रशिक्षण का होम स्टडी का तरीका नौकरी करने वाले लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिन्हें यह महसूस होता है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें कोई अतिरिक्त विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करना चाहिए, परंतु जिनके पास वापस स्कूल जाने के लिए समय नहीं है। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर ने खुद को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में तैयार किया था और वे इसी लाइन में आगे बढ़े, परंतु मंदी के दौर में उनका काम सिमट गया और वे उतना नहीं कमा पा रहे थे जितने की उन्हें जरूरत थी। उन्होंने खुद का अवलोकन किया, अपने गुणों की सूची बनाई और यह फैसला किया कि वे वकालत के व्यवसाय में जाएंगे। वे दोबारा स्कूल गए और उन्होंने विशेष कोर्स किए जिनके द्वारा उन्होंने खुद को कॉरपोरेशन वकील के रूप में तैयार कर लिया। उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, बार एग्जामिनेशन पास किया और जल्दी ही वकालत से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। चूंकि उसके पास बुककीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का एक विशेष कोर्स किया। उसने अपने आप को बुककीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें उसने आधुनिक बुककीपिंग मशीनरी रखी। अब उसके पास इन चलित बुककीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है
जिनके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया अकाउंटिंग सेवा देता है। विशेषज्ञ ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत और सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वह उस आमदनी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे अकाउंटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आकर्षक बायोडेटा तैयार कर सके। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन स्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की शक्ति थी जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद इस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था परंतु अपनी सेवाओं के लिए उसे बाजार नहीं मिल रहा था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा देखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए गए 50 पेज थे और पूरी जानकारी अच्छी तरह सुनियोजित थी। इसमें उसके पुत्र की जन्मजात योग्यता, स्कूलिंग, व्यक्तिगत अनुभव के अलावा बहुत सी जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा जहां से वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेचने के लिए आवश्यक डाटा लेकर आता था। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से भी अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाभ हो सकता था और उसका बिजनेस बेहतर बन सकता था। आपको नीचे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछें, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी झंझट उठाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब ये है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में कभी झंझट नहीं होती। उस महिला ने अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्तर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है, ज्यादातर लोग जो नीचे से शुरुआत करते हैं वे अपने सिर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अवसर उन्हें देख पाए और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। असंतोष से अपने लिए काम करवाएं। डैन हालपिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नोट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे जब यह स्वर्गीय न्यूट रॉकने के निर्देशन में थी। हालपिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना, कमीशन बेसिस पर बिजली के हेयरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने यह काम लगातार किया हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वह कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर ना किया होता। उसने सबसे पहले तो यह लक्ष्य बनाया कि वह अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने और उसे यह नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वह अधिक बड़े अफसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था
जहां अफसर उसे देख सके। उसने हेयरिंग एड्स बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंद्वी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन एएम एंड्रूज ने यह जानना चाहा कि आखिर डैन हालपिन नाम का यह आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उसने हालपिन को मिलने के लिए बुलवाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हालपिन नया सेल्स मैनेजर बन गया, जिसे अकाउंटिकन डिविजन का चार्ज दे दिया गया था। फिर यह देखने के लिए कि युवा हालपिन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हालपिन को उसके हाल पर छोड़ दिया। चाहे वह डूबे या तैरे, वह डूबा नहीं। न्यूट रॉकने की भावना, सारी दुनिया विजेता से प्रेम करती है और पराजित आदमी की तरफ देखने की उसके पास फुर्सत नहीं होती, ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वह अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते। हालपिन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुँचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। जिस महिला ने अपने पुत्र के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर से लोगों के यह आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे। ये सभी लोग उसका सहयोग चाहते थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक धन मिल सके। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। अध्याय 6, कल्पना। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहां मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है, वह उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है और कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। कल्पना के दो रूप। कल्पना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप है संशिलष्ट कल्पना और दूसरा है रचनात्मक कल्पना। संशिलष्ट कल्पना, इस शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता, ये केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। रचनात्मक कल्पना, रचनात्मक कल्पना शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है। रचनात्मक कल्पना तभी कार्य करती है जब चेतन मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर, जब चेतन मस्तिष्क प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है, यह उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संशिलष्ट और रचनात्मक शक्तियाँ प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। संशिलष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। कल्पना का व्यावहारिक प्रयोग कैसे किया जाए? विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं,
आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। जादुई केतली। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीमे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। एक घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीमे धीमे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वह अपनी बग्गी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली निकाली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल भी जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। ये जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु ना तो डॉक्टर और ना ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली से कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है, उन तथ्यों की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया है और आज भी यह दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से यह हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और शक्कर बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्कों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है जहां ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुँचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुँचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की यह पुरानी केतली बोल सके तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहां ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहां पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाला सामान ही पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप यह याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का यह साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैंडलर ने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमयी तत्व मिलाया था वह था कल्पना।
ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दें, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह शीर्षक डला था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, परंतु ये विचार तो है ही, ये कल्पना थी। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वह स्मार्ट होता है तो उसे वह कीमत मिल जाती है। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक या मौके की तलाश करते रहते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठा जाए। यह ब्रेक था कि मैं एंड्रू कार्नेगी से खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मस्तिष्क में एक विचार का बीज बोया। वह बीज यह था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित करूं। इन 25 सालों में हुए शोध में जो खोजें हुई हैं, उनसे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। यह एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, परंतु उनमें भौतिक मस्तिष्कों से अधिक शक्ति होती है जिनसे वह उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है, और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उनमें जन्म देने वाला मस्तिष्क धूल में मिल चुका होता है। अध्याय 7, सुव्यवस्थित योजना। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है, वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यावहारिक योजनाएं बना सकते हैं। 1. धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। 2. अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले ये फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। 3. सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिलें, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से ना बना लें। 4. अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। 1. आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। 2. आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वह योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए।
आप अपने मस्तिष्क से निकली योजनाओं को आंशिक तौर पर या पूरी तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हों। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें और जब आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अल्पकालिक पराजय स्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। आपकी योजनाएं जितनी दमदार होंगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान ना छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत ना हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने का प्रयास किया तो उन्हें अल्पकालिक पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह ना चल सकता है, ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है, और जब कोई व्यक्ति इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। अधिकांश लीडर्स अनुयायी के रूप में शुरुआत करते हैं। मोटे तौर पर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। अनुयायी होने में कोई अपमानजनक बात नहीं है, दूसरी ओर अनुयायी बने रहना कोई तारीफ की बात भी नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के प्रमुख गुण। एक, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। दो, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। तीन, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान ना तो हासिल कर सकता है ना ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चार, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांच, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। छह, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक ये है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितने की आशा करता है उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सात, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। आठ, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नौ, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में भी पारंगत हो। दस, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। 11, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों या अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ, और दूसरा है शक्ति के साथ जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाती।
तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई लीडरशिप को लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे और उसका अनुसरण नहीं करेंगे। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा लीडरशिप ही लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बना रहता है। लीडरशिप में असफलता के 10 प्रमुख कारण। 1. जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। 2. जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरों से करने के लिए कहते हैं। 3. दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। 4. वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सबेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। 5. कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। 6. उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। 7. अनुयायी असंयमी लीडर का सम्मान नहीं करते। 8. वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। 9. प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। 10. वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आम तौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में नए लीडर्स की मांग बढ़ रही है। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन भेजें? यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का निचोड़ है। इसने सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव यह सिद्ध करता है कि आगे बताए जाने वाले तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। 1. रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। 2. अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छपना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। 3. एप्लीकेशन जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ से हस्ताक्षर किए जाएं। 4. व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। 5. स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे। जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है।
जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव ना हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। ब्रीफ में यह जानकारी होनी चाहिए। एक, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहां तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दो, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीन, संदर्भ। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पत्रों की छाया प्रतियां लगा दें। क, पूर्व नियोक्ता। ख, वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। ग, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चार, अपना फोटोग्राफ। पांच, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना ना भूलें कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। छह, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। सात, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। आठ, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। याद रखें कि वह वकील केस नहीं जीतता जिसका वकालत का ज्ञान सबसे अधिक होता है, बल्कि वह वकील केस जीतता है जो अपने केस की सबसे अच्छी तैयारी करता है। अगर आपने केस को अच्छी तरह से तैयार और प्रस्तुत किया है तो आप शुरुआत में ही आधी जीत हासिल कर चुके हैं। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है, इसे अच्छा सा सूट पहनाएं ताकि यह दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। यह तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का भी अध्ययन करें। स्वयं का, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। नौकरी के बारे में भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से इसे कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे जिसमें होंगे नियोक्ता, कर्मचारी और जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण ये कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना।
शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं, और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मंदी के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया के एंथ्रेसाइट कोयले के क्षेत्र में कुछ महीने गुजारे और उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जिन्होंने कोयला उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कोयले के ऑपरेटर्स और कर्मचारियों में एक दूसरे के साथ तीखी सौदेबाजी हुई और कोयले की कीमत में सौदेबाजी की कीमत भी जुड़ गई। ऐसा तब तक होता रहा जब तक उन्होंने ये नहीं जाना कि इस वजह से उन्होंने तेल से जलने वाले सामानों को लोकप्रिय बना दिया था और कच्चे तेल के उत्पादकों को अमीर बना दिया था। आपकी QQS रेटिंग क्या है? व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना इक्वल्स सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वांटिटी, सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। एंड्रू कार्नेगी ने इस तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम ना कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण इतना महत्वपूर्ण है, यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतरे थे बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। आपकी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू, आपके मस्तिष्क की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है? यह आप उस आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सेवाओं की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 16.66 से गुणा कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। धन मस्तिष्क से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मस्तिष्क धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मस्तिष्क की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मस्तिष्क पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। ना ही पूंजी के इस रूप की चोरी की जा सकती है, ना ही इसे खर्च किया जा सकता है। असफलता के प्रमुख कारण, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। एक, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो। यह असफलता के कुछ कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। दो, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण था। तीन, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। चार, अपर्याप्त शिक्षा। शिक्षित आदमी वह होता है
जिसने वह चीज पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। 5. आत्म अनुशासन की कमी। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। 6. बुरा स्वास्थ्य। कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। 7. बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह का पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगत का परिणाम होती है। 8. टालमटोल। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। 9. लगन का अभाव। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी जो लगन को अपना मंत्र बनाता है यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। 10. नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। 11. कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। 12. कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13. निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं। 14. विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। 15. अति सावधानी। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। 16. बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान और सफल हो। 17. अंधविश्वास और पूर्व आग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है, यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। 18. व्यवसाय का गलत चुनाव। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सकें। 19. प्रयास में एकाग्रता का अभाव। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। 20. फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर में जीता है। 21. उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। 22. असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनैतिक विचारों के मतभेदों से संबंधित है। 23. असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित हैं। इनमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। 24. दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता।
ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेसमैन या लीडर सहन नहीं करेगा। 25. शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल ना किया हो। ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल ना किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। 26. जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है, परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। 27. घमंड और अहंकार। यह गुण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। 28. सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। 29. पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व फंड नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित ना हो जाए। 30. इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। क्या आप अपना मूल्य जानते हैं? सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर पुल बना सकें या उन्हें पूरी तरह दूर कर सकें। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सेवाएं बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम एक सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया, क्योंकि जहां मैं अभी काम कर रहा हूं वहां पर मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिल रहा है आपका मूल्य उससे अधिक है। पैसा चाहना एक चीज है, हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आपका मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य पूरी तरह इस बात से निर्धारित होता है कि आप उपयोगी सेवा प्रदान करने के कितने योग्य हैं या आप में दूसरों को इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की सूची बनाएं। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सकें। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से सवाल पूछें और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद लें जो आपको इस बारे में खुद को धोखा ना देने दे। 1. क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? 2. क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूं? 3. क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूं? 4.
क्या मेरे व्यवहार का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? 5. क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी कार्य कुशलता में कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? 6. क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किन तरीकों से? 7. क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? 8. क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? 9. क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या उससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? 10. क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूं? 11. क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद? अगर ये दुखद हैं, तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? 12. क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? 13. क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूं? 14. मैंने सेवा देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? 15. क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? 16. क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? 17. क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हों? 18. क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित हैं या फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित हैं? 19. क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूं? 20. मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? 21. मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूं और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूं ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊं? 22. क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूं जिससे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो? 23. किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सेवा दे सकता हूं जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है? 24. क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और यदि हाँ तो किस तरह? 25. अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सेवाओं को खरीदूं, तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? 26. क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, और अगर नहीं तो क्यों? 27. क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट है, और अगर नहीं तो क्यों? 28. सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? यहां पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगा जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सकें और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। औसत अमेरिकी के पास जायदाद के अधिकार की सुरक्षा इतनी है जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है। वह अपने अतिरिक्त धन को बैंक में इस गारंटी के साथ रख सकता है कि उसकी सरकार इसकी सुरक्षा करेगी, और अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो सरकार पैसा लौटाएगी। अगर कोई अमेरिकी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करना चाहता है तो उसे पासपोर्ट की या किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहां चाहे वहां जा सकता है और वापस लौट सकता है। यही नहीं, वह अपनी जेब की स्थिति के हिसाब से ट्रेन, कार, बस, हवाई जहाज या पानी के जहाज से यात्रा कर सकता है। वह चमत्कार जिसने यह वरदान दिए। जब वे वोट मांगते हैं तो हम अक्सर राजनेताओं को अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। चूंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ या पूर्वाग्रह या कोई छुपा हुआ लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं इस बात का खुलकर विश्लेषण कर सकता हूं कि वह रहस्यमयी, अमूर्त, बुरी तरह से गलत समझी गई चीज क्या है जो अमेरिका के हर नागरिक को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अमीर बनने के अधिक वरदान या अधिक अवसर प्रदान करती है, या किसी भी प्रकृति की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। मानवता के इस रहस्यमयी हितकारी का नाम पूंजी है।
पूंजी में ना सिर्फ धन आता है बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और उन बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो ये सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। हमारे जीवन की आधारशिला पूंजी सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेल रोड और स्टीमशिप बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की फौज का खर्च शामिल नहीं किया गया है। परंतु आवागमन पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी है कि जमीन से कुछ उगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। स्टीमशिप और रेल रोड धरती से अपने आप नहीं उगाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, आस्था है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। वे कुछ बनाने की इच्छा से, हासिल करने की इच्छा से, उपयोगी सेवा देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ, उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सकें और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सकें। मैंने दो चीजें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया है। एक, इसलिए ताकि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें जो अमीरी के सारे रास्तों को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर बनना चाहते हो। दो, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जाने वाले स्याह पहलू से भिन्न है। राजनेता और वक्ता जानबूझकर मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा हो। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है और वह है उपयोगी सेवा प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सकें या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सकें। अमीरी के आपके अवसर। अमेरिका ईमानदार आदमी के लिए अमीर बनने के ढेर सारे अवसर प्रदान करता है और पूरी स्वतंत्रता देता है। जब कोई शिकार खेलने जाता है तो वह ऐसी जगह चुनता है जहां पर उसे पर्याप्त शिकार उपलब्ध हो। अमीरी की तलाश करते समय भी यही नियम स्वाभाविक रूप से लागू होता है। अगर आप अमीरी की तलाश में हैं, तो इस देश की संभावनाओं को नजरअंदाज ना करें जिसके नागरिक इतने अमीर हैं कि यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक, रूज और कॉस्मेटिक्स पर एक साल में $5,00,000 से अधिक खर्च करती हैं। अगर आप धन की तलाश में हैं,
तो सावधानी से उस देश के बारे में विचार कीजिए जो हर साल सिगरेट पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करता है। ऐसे देश से दूर जाने की जल्दबाजी में ना रहें जिसके नागरिक स्वेच्छा से, यहाँ तक कि उत्साह से, हर साल करोड़ों डॉलर फुटबॉल, बेसबॉल और प्राइस फाइट्स पर खर्च करते हैं। यह याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ हैं। यहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन बिजनेसों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी हैं, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को ना तो पहचानता है, ना ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अध्याय 8, निर्णय, अमीरी की दिशा में सातवां कदम। टालमटोल की आदत, जो निर्णय करने की विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के पार निकल गए हैं, यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था। परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। यह गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था कि इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू यह है कि फोर्ड के दृढ़ निर्णय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने। इसके पहले की मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु यह गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दौलत कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात तो छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, इसका प्रयोग करें और अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचें। अगर आपको अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए दूसरों से जानकारी या तथ्यों की आवश्यकता है, जो आपके कई मामलों में होगी, तो शांति से बिना अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किए हुए चाही गई जानकारी या तथ्य हासिल कर लें। अगर आप तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपने मुंह को बंद रखें। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। अगर आप कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं, तो आप न सिर्फ उपयोगी ज्ञान हासिल करने के कई अवसरों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को ऐसे लोगों के सामने भी प्रकट कर रहे हैं जो आपको हराने में बड़े आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप आगे बताए जा रहे सूत्र वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर रोज देख सकें। वाक्य है, दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, परंतु पहले इसे करके दिखा दें। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म का महत्व सबसे अधिक होता है। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने, बहुत जोखिम भरे निर्णय थे जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। दासों को मुक्त करने का लिंकन का प्रसिद्ध निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी,
यह जानते बूझते लिया गया था कि उसके इस काम के बाद उसके हजारों दोस्त और राजनैतिक समर्थक उसके विरोधी बन जाएंगे। परंतु जहां तक अमेरिकी नागरिकों का सवाल है, अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर ये सब 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे। आपने उस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे जो यह इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को उस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि यह निर्णय लेने में कितने साहस की जरूरत थी। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के लेखकों ने पूरी तरह से उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसने इस देश को जन्म दिया, इसे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के नए मानक स्थापित किए। हम संक्षेप में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बोस्टन में 5 मार्च 1770 की एक घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। औपनिवेशक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए। उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभिव्यक्त करना शुरू किया और गश्त लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, जब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया, संगीने तान लो, हमला बोल दो। युद्ध शुरू हो गया। इसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशक थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स थे। वे साहस के साथ बोले और उन्होंने ये घोषणा की कि बोस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। याद रखिए, इन दो लोगों के दिमाग में जो फैसला हुआ उसे उस स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है जिसका आज सभी अमेरिकी उपभोग कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि इन दो लोगों को यह निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी, क्योंकि यह एक खतरनाक फैसला था। सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एडम्स को नियुक्त किया गया कि वह प्रांत के गवर्नर हचिंसन से मिलने जाएं और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां बोस्टन से हट गई। परंतु यह अध्ययन यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। सिंहासन ने गेज को हचिंसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल एडम्स के पास संदेश भेजना, और उसका उद्देश्य यह था कि डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। सैमुअल एडम्स के 2 निर्णयों में से एक को चुनना था। या तो वह अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले सकता था, या फिर वह विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम उठा सकता था। स्पष्ट रूप से वह समय आ चुका था जब एडम्स तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। एडम्स ने कर्नल फेंटन से यह वादा लिया कि कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाएंगे। एडम्स का जवाब, आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राटों के सम्राट के साथ काफी पहले ही सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। और गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल एडम्स ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी उत्तेजित जनता की भावनाओं का वे अपमान ना करें। जब गवर्नर गेज को एडम्स का यह तीखा जवाब मिला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, मैं यहां सम्राट के नाम पर उन सभी व्यक्तियों को पूरी तरह क्षमा दान देने का प्रस्ताव रखता हूं और उसका वादा करता हूं जो तत्काल अपने हथियार डाल देंगे और शांति प्रिय जनता के कर्तव्यों पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुअल एडम्स और जॉन हैंकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतनी देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उनके प्रति कठोर दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमय मीटिंग जल्दी में बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एडम्स ने दरवाजे पर ताला लगा दिया।
और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी कि यह अनिवार्य है कि कॉलोनिस्ट की कांग्रेस गठित की जाए और कोई आदमी तब तक कमरा ना छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी निर्णय पर ना पहुंच जाएं। उनके मस्तिष्कों के प्रभाव से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पोंडेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को आयोजित की जाए। इस तारीख को याद रखें। यह 4 जुलाई 1776 से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आयोजित करने का निर्णय ना होता तो स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी ना हुए होते। नई कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर था। यह व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरसन, जिसके लॉर्ड डनमोर से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैंकॉक और एडम्स के अपने गवर्नर से थे। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास ना तो शक्ति थी, ना ही सत्ता, ना ही सैनिक बल और ना ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा, महोदय मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि यह यूनाइटेड कॉलोनियां स्वतंत्र और आजाद राज्य हैं, जिसका उन्हें अधिकार है और उन्हें ब्रिटिश सम्राट से अपनी दासता के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। कई दिनों की बहस के बाद वह फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं, फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं, बहस में समय क्यों गंवाया जाए, इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दें, उसे उठ खड़ा होने दें और हमारा यह राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून को उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और इसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। 4 जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले जिसे प्रकृति के नियमों और ईश्वर ने प्रदान किया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वे उन कारणों की घोषणा करें जिनसे वे अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस निर्णय से एक ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। जानिए आप क्या चाहते हैं और आपको यह आम तौर पर मिल जाएगा। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आमतौर पर यह उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, यही वह सबसे प्रमुख कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस आदमी को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहां जा रहा है। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी आदत बनती जाती है जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अध्याय 9, लगन, अमीरी की दिशा में 8वां कदम। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भावशून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है, प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं।
लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, परंतु यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। आप कितनी आसानी से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है इच्छा। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं, जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है। अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है, तो इस कमजोरी का इलाज यह है कि आप अपनी इच्छा की आग को प्रबल बना लें। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मस्तिष्क उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला आता है। चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता है। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो, तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को अपनी पूरी बांह तक ले आते हैं, जब तक कि आप इसे उठा ना ले। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप अपने मांसपेशीय तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। जिन्होंने लगन की आदत डाली है, उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाएं, परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है, जो निराशाजनक अनुभवों के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग ये इम्तिहान नहीं देते, वे इसमें उत्तीर्ण भी नहीं होते। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हारकर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग यह मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे नहीं देख पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो उन लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें, तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन ना हो, तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। तब हम जानते हैं कि उस आदमी ने वह रहस्य जान लिया है कि ब्रॉडवे को किस तरह जीता जा सकता है। रहस्य हमेशा सिर्फ एक शब्द से जुड़ा है, लगन। यह रहस्य फैनी हर्स्ट के संघर्ष में बताया गया है, जिनकी लगन ने ग्रेट व्हाइट वे को जीता।
वे 1915 में न्यूयॉर्क आई थी और अपने लेखन से अमीर बनना चाहती थी। हालांकि यह जल्दी नहीं हुआ, परंतु यह हुआ। 4 साल तक मिस हर्स्ट ने न्यूयॉर्क के फुटपाथों के बारे में स्वयं के अनुभव से सीखा। उन्होंने अपने दिन मेहनत करके और रातें आशा करते हुए बिताई। जब आशा की लौ मंद पड़ गई तो उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है ब्रॉडवे, तुम ही जीते। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को नीचे गिरा सकते हो, परंतु मुझे नहीं। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी। एक प्रकाशक द सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने उसे 36 रिजेक्शन स्लिप भेजी और इसके बाद ही उनकी एक कहानी छपी। औसत लेखक तो जिंदगी के बाकी क्षेत्रों के औसत लोगों की तरह पहली रिजेक्शन स्लिप आते ही मैदान छोड़ देता। यह महिला 4 साल तक फुटपाथ पर जूतियां चटकाती रही क्योंकि उसमें जीतने का दृढ़ संकल्प था। फिर दौलत आना शुरू हुई। तिलिस्म टूट चुका था। अदृश्य मार्गदर्शक ने फैनी हर्स्ट का इम्तिहान ले लिया था और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसके बाद उसके दरवाजे पर प्रकाशकों की लाइन लग गई। पैसा इतनी तेजी से आया कि उसके पास इसे गिनने का समय भी नहीं था। फिर फिल्म लाइन के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके घर पर पैसे की बूंदाबांदी नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश होने लगी। आप स्वयं को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है। एक निश्चित उद्देश्य। एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। दो इच्छा। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। तीन आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। चार योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हों, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पांच सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छह सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सात इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। आठ आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस आलोचना का डर होता है जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। इन मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। जब एंड्रू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा और यह सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, ये काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम अपनी आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ? याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो, तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो? लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है और उन्होंने ऐसा सोचा भी।
आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया? मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं, इससे पहले कि यह मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म के समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरा हर मिनट इसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वे योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। सौभाग्यशाली अवसर आपकी इच्छा से आ सकते हैं। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं वे लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वे एक और महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। मंदी के दौरान W.C. फील्ड्स नामक कॉमेडियन ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और उसने पाया कि उसके पास कोई आमदनी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और उसकी कमाई के साधन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यही नहीं, उसकी उम्र भी 60 के ऊपर थी, जब कई लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं। वह अपनी वापसी के लिए इतना उत्सुक था कि उसने बिना तनख्वाह के एक नए क्षेत्र में काम करने का प्रस्ताव रखा। उसकी अन्य समस्याओं के अलावा वह गिर पड़ा और उसकी गर्दन में भी चोट आई। कई लोगों ने इस मौके पर हार मान ली होती और मैदान छोड़ दिया होता, परंतु फील्ड्स में लगन थी। वह जानता था कि अगर वह डटा रहेगा तो उसे देर सबेर अवसर मिलेंगे, और उसे ये अवसर मिले भी, परंतु किस्मत के कारण नहीं। आदमी को केवल उसी अवसर पर भरोसा करना चाहिए जो वह खुद पैदा करे या कर सके। इसके लिए लगन के प्रयोग की आवश्यकता होती है। शुरुआती बिंदु है निश्चित लक्ष्य। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो। लगन को विकसित कैसे करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है 1. निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। 2. एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। 3. एक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। 4. एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्ण गठबंधन जो आपकी योजनाओं और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। मुश्किलों को कैसे जीतें? लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मस्तिष्क में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, और शुरुआत में उनके पास लगन के अलावा कुछ खास नहीं था। या थॉमस एल्वा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के अग्रणी आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के तौर पर आप मोहम्मद की अद्भुत और मनमोहक कहानी को लें, उनके जीवन का विश्लेषण करें, आधुनिक युग में उद्योग और फाइनेंस में सफल लोगों से उनकी तुलना करें और देखें कि किस तरह उन सभी में एक प्रमुख गुण समान है, लगन। मोहम्मद एक पैगंबर थे, परंतु उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। वे रहस्यवादी नहीं थे, उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने अपना मिशन तब तक शुरू नहीं किया जब तक वे 40 वर्ष के नहीं हो गए, जब उन्होंने घोषणा की कि वे ईश्वर के संदेश वाहक हैं
और सच्चे धर्म का संदेश लाए हैं तो उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें पागल करार दिया गया। बच्चों ने उन्हें तंग किया और औरतों ने उन पर कूड़ा फेंका। उन्हें उनके जन्म स्थान मक्का से निर्वासित कर दिया गया। उनके समर्थकों की सारी सांसारिक दौलत छीन ली गई और उन्हें भी रेगिस्तान में मोहम्मद के पीछे भेज दिया गया। 10 साल तक उपदेश देने के बाद भी उन्हें सिर्फ निर्वासन, गरीबी और हंसी के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। परंतु 10 और साल गुजरते गुजरते वे पूरे अरब के डिक्टेटर, मक्का के शासक और एक नए विश्व धर्म के प्रमुख बन गए, जो डानुबे और पायरनीस तक फैल गया। मोहम्मद की शक्ति त्रिआयामी थी, शब्दों की शक्ति, प्रार्थना का प्रभाव और इंसान का ईश्वर के साथ निकट संबंध। अध्याय 10, मास्टरमाइंड की शक्ति। अमीरी की दिशा में 9वां कदम। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति ना हो। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास 2 या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है, जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। 1, अनंत प्रज्ञा। 2, संग्रहित अनुभव। 3, प्रयोग और शोध। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में प्रवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन 3 प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में प्रवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत हैं और अगर वे बहुत विराट हैं तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हैं। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के 2 लक्षण स्पष्ट करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक प्रकृति का है और दूसरा आध्यात्मिक प्रकृति का है। आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकते हैं जो अपने आप को ऐसे लोगों के समूह की सलाह, परामर्श और व्यक्तिगत सहयोग से घेरे रखता है जो उसकी दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। मानवीय मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब 2 लोगों के मस्तिष्क सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करती है। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। आपके मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे किया जाए? इंसान के मस्तिष्क की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मस्तिष्क भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मस्तिष्क अन्य मस्तिष्कों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। और इससे हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मस्तिष्कों का संयोजित समूह
एक अकेले मस्तिष्क से अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा, जिस तरह बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए, और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मस्तिष्क का दूसरे पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोस और लूथर बर्बैंक, जिसमें से हर एक में महान मस्तिष्क क्षमता थी, से हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मस्तिष्कों के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। धन शर्मीला और संकोची है, इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरीके से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे आस्था के साथ मिलाया जाए। इसे इच्छा के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलाना चाहिए, एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा से इसमें प्रवेश करते हैं, यह धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है, जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती हैं। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है, तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजनाओं के द्वारा आता है। गरीबी को योजना की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। अध्याय 11, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। अमीरी की दिशा में 10वां कदम। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान के कारण यह मानसिक अवस्था आम तौर पर शारीरिक रूप से संबद्ध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। 1, मानव जाति का स्थायीकरण। 2, स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। 3, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए, तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है।
इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः ये पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। एक, महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स प्रकृति पाई जाती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। दो, वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, कला, उद्योग, आर्किटेक्चर और प्रोफेशंस में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। मानवीय मस्तिष्क आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है, ये हैं: एक, सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा; दो, प्रेम; तीन, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा; चार, संगीत; पांच, मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो; छह, दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन, जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं; सात, साथ साथ झेला गया दुख जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया; आठ, आत्म सुझाव; नौ, डर; दस, मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मस्तिष्क को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से आठ प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, दो विध्वंसक हैं। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आप मस्तिष्क प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हों। इस अध्ययन से आप ये देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मस्तिष्क आवेग है। जब मस्तिष्क के एक्शन को 10 मस्तिष्क आवेगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के क्षितिज से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वह दूरी, स्कोप और विचारों की वह गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो। जब आप मस्तिष्क आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हों, जहां से आपको उस क्षितिज के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। विचार के इस उच्चतर स्तर पर मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए रास्ता साफ हो जाता है। यह उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती है जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो एक जीनियस और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति को विकसित करना। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, यह उतनी ही अधिक विकसित होती है। यह व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क के बाहर से आ रहे तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली।
यह आवाज रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है। जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है, वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इन तथाकथित आभासों के द्वारा आते हैं। मैरीलैंड के चेवी चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत संवाद कक्ष कहते थे। यह साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते थे। जब डॉक्टर गेट्स की इच्छा होती थी कि वे अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद लें, तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे और बत्तियां बुझाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पर वे काम कर रहे थे। वे तब तक इसी स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह से उस खोज के अनजान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्ता पूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। जीनियसों द्वारा प्रयुक्त तरीके अब आपके लिए उपलब्ध हैं। जीनियस और साधारण क्रैंक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीनियस अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की संश्लिष्ट शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। सेक्स की प्रेरक शक्ति। उन महान लीडर्स के रिकॉर्ड से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था, जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मस्तिष्क में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफीन से प्रेरणा मिली थी तो वे अपराजय थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफीन को दरकिनार कर दें, तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेना उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए, तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। सेक्स की ऊर्जा हर जीनियस की रचनात्मक ऊर्जा है। ना तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, ना कभी होगा, जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी जीनियस होता है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है, और तभी यह व्यक्ति को जीनियस के स्तर तक उठा सकती है। प्रबल कामेच्छा के कारण जीनियस बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं, और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले जाते हैं। लोग 40 साल से पहले कम सफल क्यों होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं, वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के ना हो जाएं। यह तथ्य इतना आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से
अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते। दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी हैं, जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर हैं। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भावों में सबसे प्रबल और सशक्त है, और इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है और इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक बहुत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने की भावनाओं से। मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होती है, ना कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मस्तिष्क प्रेरक आवेग भी हैं, जिनमें से कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। एक टीचर ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्स्ड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तित्व के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्स्ड लोगों में हमेशा चुंबकीयता की प्रचुर मात्रा होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। सेल्समैनों को काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता, जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे, और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो। जिस सार्वजनिक वक्ता, वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है, और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है। जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए, और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या ना जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं वे बिना यह जाने ऐसा करते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स की आकांक्षा को बुरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इस हीन भावना के शिकार हैं क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्स्ड नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्त सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है
जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमयी मौन में लिपटा हुआ है। रहस्य और मौन के षड्यंत्र का युवा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वे इस विषय के बारे में अधिक ज्ञान हासिल करें। 40 के बाद के लाभदायक वर्ष। औसत व्यक्ति की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं, यानी जो 40 साल के बिंदु के आसपास हैं। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख लें और आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अब भी टेलीग्राफ चला रहे थे। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है, तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वक्तव्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभव से इसका समर्थन ना करे। किसी महिला को खुश करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर जो पूरी तरह सेक्स के भाव पर आधारित होती है, इंसान महान उपलब्धि हासिल करने में समर्थ होता है, परंतु उसके कार्य असंगठित, विकृत और पूरी तरह विध्वंसक हो सकते हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से ही संचालित होता है, तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है और यहाँ तक कि हत्या भी कर सकता है। परंतु जब सेक्स के भाव में प्रेम का भाव मिश्रित हो जाता है, तो यही आदमी अपने कार्यों को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन और तर्कपूर्ण ढंग से करेगा। प्रेम, रोमांस और सेक्स, ये सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ हैं। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं, तो व्यक्ति जीनियस की ऊंचाइयों को छू लेता है। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा जीनियस की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है। कोई इंसान केवल सेक्स ऊर्जा की प्रेरक शक्ति के द्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, परंतु इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है कि वह अपने साथ चरित्र के ऐसे गुण भी रखता है जिससे या तो वह अपनी दौलत को बनाए नहीं रख पाता या फिर उसका उपभोग नहीं कर पाता। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती हैं, प्रभावित करती हैं और राह दिखाती हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो, यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव स्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित ना कर सके, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवित प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है, तब तक इसे स्वीकार करें और इसका आनंद लें। परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद ना करें। आपके चिंता करने से यह वापस नहीं आ जाएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते।
वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या विछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं अगर लोग प्रेम और सेक्स की भावनाओं के बीच के अंतर को समझ लें। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से ग्रस्त हो। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब एक जीनियस पैदा होता है। वह पति भाग्यशाली है जिसकी पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं के बीच के सच्चे संबंध को समझती है। इस अद्भुत त्रिमूर्ति द्वारा प्रेरित श्रम का कोई प्रकार बोझ नहीं लगता, क्योंकि हर प्रयास, चाहे वह छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी की पत्नी उसे बना सकती है या मिटा सकती है, परंतु इसका कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता। बनाना या मिटाना इस बात पर निर्भर करता है कि पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझती है। अगर कोई महिला अपने पति को इस बात की इजाजत देती है कि वह उसमें रुचि लेना बंद कर दे और दूसरी महिलाओं में अधिक रुचि लेने लगे, तो ऐसा आमतौर पर सेक्स, प्रेम और रोमांस के विषयों के बारे में उसके अज्ञान और उसकी उदासीनता की वजह से होता है। यह वक्तव्य यह मानकर चलता है कि इस आदमी और उसकी पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम कभी हुआ करता था। यह तथ्य उस आदमी पर भी लागू होते हैं जो अपनी पत्नी की स्वयं में रुचि समाप्त होने की अनुमति देता है। विवाहित लोग अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। अगर इनका सही विश्लेषण किया जाए तो समस्या का असली कारण अक्सर इन विषयों का ज्ञान या उदासीनता मिलेगा। महिलाओं के बिना संपत्ति की अनुपयोगिता। पुरुष की सबसे महान प्रेरक शक्ति है महिला को प्रसन्न करने की उसकी इच्छा। वह शिकारी जो प्रागैतिहासिक युग में सभ्यता के उदय से पहले श्रेष्ठ हुआ करता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें महिला की नजरों में महान दिखने की इच्छा थी। पुरुष की प्रकृति इस मामले में जरा भी नहीं बदली है। पुरुष में आज भी महिला को प्रसन्न करने की वही इच्छा मौजूद है जो सभ्यता के उदय से पहले हुआ करती थी। केवल उसका प्रसन्न करने का तरीका बदला है। वे पुरुष जो ढेर सारी दौलत इकट्ठी करते हैं और शक्ति और शोहरत की महान ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, ऐसा प्रमुख तौर पर महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर ही करते हैं। वह महिला जो पुरुष की प्रकृति को समझती है और इसे कूटनीतिक तरीके से संतुष्ट करती है, उसे अन्य महिलाओं की प्रतियोगिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोगों के साथ पुरुष अपनी अदमनीय इच्छा शक्ति के कारण विराट हो सकते हैं, परंतु अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा वे आसानी से शासित हो जाते हैं। अध्याय 12, अवचेतन मस्तिष्क। अमीरी की दिशा में 11वां कदम। अवचेतन मस्तिष्क दिन रात कार्य करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मस्तिष्क अनंत प्रज्ञा की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा यह स्वैच्छिक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके भौतिक समतुल्य में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। इस विश्वास को सही साबित करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अवचेतन मस्तिष्क इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की जोड़ने वाली कड़ी या सूत्र है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वह रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है।
मैं अवचेतन मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूँ, और शायद इसके पीछे यह तथ्य है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में बोने में असफल रहते हैं, तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको यह पता ही नहीं है कि आपके अवचेतन मस्तिष्क तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। अब आप नकारात्मक विचारों के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं, ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अवचेतन मस्तिष्क का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेंगे, ताकि कोई अवांछित विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित ना कर सके। इस सिद्धांत के समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावात्मक विचार ही अवचेतन मस्तिष्क पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अवचेतन मस्तिष्क भावों से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भावों से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विचार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश पा जाते हैं। यह भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह समझ में आती है, वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें, ताकि अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भावों से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव और आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं, और यही वे भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव जिनसे बचना है: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव और क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबलता से प्रभावित करें। यहाँ आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डाल लें। केवल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करने से ही और लगातार करने से ही आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मस्तिष्क डर और शंका से भरे होते हैं, जिन भावों के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है और इन्हें अनंत प्रज्ञा तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही वह भाव है जो अनंत प्रज्ञा को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगी या फिर अनंत प्रज्ञा आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वह आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है, तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनःस्थिति कैसी थी, और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वह सिद्धांत से बढ़कर है। अवचेतन मस्तिष्क वह मध्यस्थ है
जो किसी की प्रार्थना को ऐसा रूप देता है जिसे अनंत प्रज्ञा पहचान सके। अवचेतन मस्तिष्क संदेश भेजता है और जवाब लाता है। यह जवाब एक निश्चित योजना या विचार के रूप में होता है जिससे प्रार्थना में मांगी गई चीज का मिलना संभव हो सके। इस सिद्धांत को समझ लें और आप जान जाएंगे कि प्रार्थना की पुस्तक के सिर्फ शब्द पढ़ना ही क्यों काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शब्द इंसान के मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच संचार का माध्यम नहीं बन सकते। अध्याय 13, मस्तिष्क। अमीरी की दिशा में बारवाह कदम। 40 साल से भी अधिक पहले लेखक स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ काम कर रहा था। उस समय लेखक ने यह विचार किया कि हर मानवीय मस्तिष्क विचार के कंपन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन दोनों होता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्क का रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा यह उन विचारों को ग्रहण करता है जो दूसरों के मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह संचार का वह माध्यम है जो किसी इंसान के चेतन या तार्किक मस्तिष्क और उन चार स्रोतों को जोड़ता है जहां से इंसान विचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। जब इसे प्रेरित किया जाए या जब यह कंपन की उच्च दर पर कार्य कर रहा हो तो मस्तिष्क बाहरी स्रोतों के द्वारा इस तक पहुंचने वाले विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। कंपन की उच्च दर सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं द्वारा घटित होती है। भावनाओं के द्वारा विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। अवचेतन मस्तिष्क मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। आपके मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है। जब आप अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन यानी अवचेतन मस्तिष्क, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहें तो आपको सिर्फ 3 सिद्धांतों को ही दिमाग में रखना है और लागू करना है। जिन प्रेरकों के द्वारा आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप में बदल सकते हैं उनका वर्णन किया जा चुका है और वह तरीका इच्छा से शुरू होता है। युगों युगों से इंसान अपनी शारीरिक इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और उसने अपने ज्ञान को शारीरिक या भौतिक वस्तुओं तक सीमित कर लिया है जिन्हें वह देख सकता है, छू सकता है, तौल सकता है और माप सकता है। कई बार लोग अमूर्त वस्तुओं के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं, उन चीजों के बारे में जिन्हें वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से पहचान नहीं सकते। परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों में लिपटी हुई अमूर्त शक्ति का सामना करे या उसे नियंत्रित करे। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति की बात तो दूर, समझने की क्षमता भी नहीं है जो इस छोटी सी धरती को अंतरिक्ष में झुलाए हुए है और इंसान को इससे गिरने से रोक रही है। इंसान पूरी तरह उस अमूर्त शक्ति के सामने असहाय है जो तूफान के साथ आती है, जिस तरह वह बिजली गिरने की अमूर्त शक्ति की उपस्थिति में असहाय होता है। इंसान अपनी डींग हांकने वाली संस्कृति और शिक्षा के बावजूद विचार की अमूर्त शक्ति के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। वह शारीरिक मस्तिष्क और इसकी जटिल मशीनरी के वृहद नेटवर्क के बारे में बहुत कम जानता है जिसके द्वारा विचार की शक्ति को इसके भौतिक समतुल्य में बदला जाता है। परंतु अब वह एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें इस विषय पर उसे ज्ञान मिल सकेगा। वैज्ञानिकों का ध्यान अब उस आश्चर्यजनक वस्तु के अध्ययन की ओर गया है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। हालांकि अभी वे अपने अध्ययनों की आरंभिक अवस्था में हैं, परंतु उन्होंने यह जान लिया है कि मानवीय मस्तिष्क का केंद्रीय स्विचबोर्ड उन लाइनों की संख्या जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं, वे संख्या में उतनी हैं जितनी 1 के अंक के बाद 15 मिलियन शून्य जोड़ने के बाद आती हैं। यह असंभव लगता है कि इतनी जटिल मशीनरी के इस तरह के नेटवर्क का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ शरीर के विकास और रखरखाव के शारीरिक कार्य करना ही होगा। क्या यह संभव नहीं है कि जो सिस्टम बिलियनों मस्तिष्क कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संप्रेषण का माध्यम प्रदान करता है, वही सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संप्रेषण का माध्यम बन सकता है? टेलीपैथी क्या है? ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइन और उनके सहयोगियों ने
टेलीपैथी या क्लेयरवॉयंस की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए 100,000 से भी अधिक परीक्षण किए। यह परिणाम हार्पर्स मैगजीन में पहले 2 लेखों में संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं। राइन के प्रयोगों का परिणाम है कि टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस की वास्तविक उपस्थिति अब कुछ वैज्ञानिकों को बेहद संभव लगती है। कई अनुभूतिकर्ताओं से यह पूछा गया कि वे किसी विशेष पैक में रखे गए कुछ पत्तों के नाम बिना उन्हें देखे बताएं। तकरीबन 1 दर्जन पुरुषों और महिलाओं को पहचान लिया गया जो नियमित रूप से उन पत्तों को सही सही बता देते थे, जबकि इस बात की कई मिलियन संभावनाओं में से एक भी संभावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किस्मत से या संयोगवश किया हो। परंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? लेखक E.H. राइट का विचार है कि यह तथ्य इस बात को स्वीकार नहीं करते कि टेलीपैथी या क्लेयरवॉयंस रेडिएशन के किसी भौतिक सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं। रेडिएंट ऊर्जा के सभी ज्ञात स्वरूप दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस के साथ ऐसा नहीं है, परंतु वे शारीरिक कारणों से उसी तरह प्रभावित होते हैं जिस तरह हमारी अन्य मानसिक शक्तियां होती हैं। लोकप्रिय मान्यता के खिलाफ ये शक्तियां तब बलवान नहीं होती जब व्यक्ति सोया हुआ होता है या अर्ध निद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि यह शक्तियां तब अपने चरम पर होती हैं जब व्यक्ति पूरी तरह जागृत अवस्था में होता है। राइट ने विश्वास के साथ ये निष्कर्ष निकाला कि टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस दरअसल एक ही प्रतिभा के 2 रूप हैं। जिस शक्ति के सहारे कोई व्यक्ति टेबल पर उल्टे रखे कार्ड को देख सकता है, उसी शक्ति के सहारे वह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में मौजूद विचार को पढ़ सकता है। राइट इस निष्कर्ष से आगे जाकर यह अनुमान व्यक्त करते हैं कि अन्य अतींद्रिय अनुभव, भविष्यदर्शी स्वप्न, विनाश के पूर्वाभास इत्यादि भी इसी शक्ति का एक हिस्सा साबित हो सकते हैं। अध्याय 14, छठी इंद्रिय। अमेरिकी दिशा में 13वां कदम। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह रिसीविंग सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कौंधते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्रिय वर्णनातीत है। इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात ना किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मस्तिष्क को विकसित करने के माध्यम से आती है। छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, ना ही वह इनकी वकालत करता है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे हमें चमत्कार नजर आते हैं। छठी इंद्रिय चमत्कार होने के उतने ही करीब है जितनी मैंने कभी अनुभव की है। लेखक इतना जानता है कि एक शक्ति है या एक प्रभु है या एक प्रज्ञा है जो पदार्थ के हर अणु में है, और वह इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक यह मानता है कि अनंत प्रज्ञा बीज को पेड़ में बदल देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण पानी को पहाड़ से नीचे बहाती है, दिन के बाद रात को लाती है, और गर्मी के बाद जाड़े को, जिसमें से हर एक की सही जगह है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह प्रज्ञा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जा सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसका प्रयोग करके देखा है और इसे खुद अनुभव किया है। प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से बहुत पहले या जनता के बीच भाषण देने के प्रयास करने से पहले मैंने उन 9 लोगों को अनुसरण करने और खुद के चरित्र को दोबारा आकार देने की आदत डाली जिनके जीवन और जिनके काम से मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ये 9 लोग थे इमर्सन, पेन,
एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात को मैं समूह के साथ काल्पनिक परामर्श बैठकें करता रहा, जिन्हें मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहता हूँ। तरीका यह था, हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देखता था। यहाँ मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर था जिन्हें मैं महान समझता था, बल्कि मैं उस समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पार करना चाहता था, तो मुझे ऊपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनर्जन्म लेना होगा। अपने काल्पनिक कैबिनेट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका उस अनुरूप बदलता रहा है जिस अनुरूप मैं किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासिल करने में अधिक रुचि रखता हूँ। मैंने बहुत कष्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। कई महीनों के रात्रिकालीन श्रम के बाद मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से वास्तविक बन गए। इन 9 व्यक्तियों में से हर एक ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की, जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की आदत विकसित की, फिर गंभीर परेड में चारों तरफ घूमने की आदत। वे हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी का भाव ओढ़े रखते थे, शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हो। यह दूसरों के बारे में सच नहीं है। बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे वाक द्वंद्व में उलझ जाते थे जिनसे कैबिनेट के बाकी सदस्यों को आघात पहुंचता था। एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया। जब वह आया तो वह उत्साह के मारे रोमांचित था और उसने बताया कि उसे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि वह एक प्रयोग कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वह किसी भी पेड़ पर सेब उगा सकता है। पेन ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि सेब के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच की समस्या शुरू हुई थी। डार्विन जोर से हंसे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जंगल में सेब इकट्ठे करने जाते समय पेन को छोटे सांपों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी यह आदत होती है कि बड़े होकर वे बड़े सांप बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा, सांप नहीं तो सेब नहीं, और नेपोलियन का कहना था, सेब नहीं तो राज्य नहीं। यह बैठकें इतनी यथार्थवादी हो चली कि मैं उनके परिणामों से भयभीत होने लगा और मैंने उन्हें कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अनुभव इतने अजीब थे कि मैं डर रहा था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा तो मैं इस तथ्य को भुला दूंगा कि यह बैठकें पूरी तरह मेरी कल्पना में हो रही थी। यह पहली बार है जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया है। मुझे गलत ना समझा जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं अब भी अपनी कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्य पूरी तरह काल्पनिक हों और बैठकें केवल मेरी कल्पना में हो रही हों, परंतु उनकी वजह से मेरे सामने रोमांच की सुखद राहें खुल गई, मेरे रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति का मेरा साहस बढ़ा। मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपनों को प्राप्त करता है जिसे आभास कहा जाता है। अब तक विज्ञान यह नहीं खोज पाया है कि छठी इंद्रिय का यह अंग कहां पर स्थित है, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता यही है कि इंसान शारीरिक इंद्रियों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी सटीक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह तथ्य इसलिए बताए गए हैं ताकि मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता सकूं। अदृश्य परामर्शदाताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा मस्तिष्क उन विचारों और ज्ञान को अधिक ग्रहण करने की स्थिति में है जो छठी इंद्रिय के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं। काल्पनिक लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने का मेरा मूल लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा वह निश्चित गुण प्रदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है। छठी इंद्रिय वाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया है
क्योंकि यह पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो वह जीवन में चाहता है उसे हासिल कर सके। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है, अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है, खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ। इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छठी इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और इसका प्रयोग करते हैं।